السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی، ابھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی پچھلے والے لیکچر میں کوئی پرابلم ہے یا اس طرح سے تو آپ لوگ پوچھ لیں، اور اگر آپ لوگوں نے سب نے انسٹال کر دیا ہے جو پلگ انس وغیرہ یا تھیمس وغیرہ بتائے تھے تو اس کو آپ پھر مجھے میسج کر دیں گے دفعہ۔ سر جی بیٹا، سر یہ آ رہا ہے نا رن دی سیٹ اپ؟ ہاں جی، یہ سامنے میں نے میرے خیال سے اسی پہ کیا تھا تو آگے پیج آ گیا تھا میرا، یہ ساری ڈیٹیل مانگ رہا ہے وو کمرس۔ چلے وہ میں ابھی اس کو سیٹ اپ کرنے کا نا طریقہ بتاتا ہوں۔ میرا وہی پیج کھلا ہوا ہے، اب وہ نہ بیگ جا رہا ہے نہ کچھ ہو رہا۔ چلے وہ میں نا ابھی کرتا ہوں، آپ کو ابھی ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ جی جی بیٹا، سر میں نے نا سب کچھ ڈاؤن لوڈ کیے تھے، سارے انسٹال کیے تھے، پھر پہلے میں نے سب انسٹال کیا، تھیمز بھی سارا کچھ، پھر میں نے ابھی ایک دو ایکٹیویٹ کیے تھے تو انہوں نے کہا ایرر آ گیا ویب سائٹ میں۔ اچھا چلے وہ میں ابھی، پھر میں نے دوبارہ سے نیو بنا لیا ویب سائٹ اسی پیج سے، دوبارہ نام سے نا دوبارہ سے بنا لیا میں دوبارہ سارے انسٹال کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ابھی نا ہم انشاءاللہ نا کرتے ہیں آگے، تو پھر کوئی پرابلم ہوگی نا تو آپ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ سر آپ نا اس کی ریکارڈنگ بھیج دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ اچھا بیٹا، آج ہم نا ابھی انشاءاللہ جو پلگ انز انسٹال کیے ہیں نا وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ پلگ ان کون کون سے ہیں اور ان کا کام کیا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہو نا کہ یہ پلگ ان ہم نے کس طرح سے کیا اور ان کا کیا پرپز ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ سارے ہمارے پاس پلگ انز آ چکے ہیں، ایکسمیٹ، اینٹی اسپیم، کانٹیکٹ فارم 7، کسٹم سائڈ بارز، اور ایلیمنٹر اسینشیل ایڈنس پر ایلیمنٹر، ہیلو ڈولی، اور اوشن کسٹم سائڈ بار ایکسٹرا، اوشن پروڈکٹ شیئرنگ، اوشن سوشل شیئرنگ،
मोशन स्टिक एनीथिंग प्रीमियम एडन्स फॉर एलिमेंटर आई टी वो कॉमर्स स्पेशलिस्ट वेरिएशन स्पैचेज और वो कॉमर्स और स्मार्ट डब्ल्यू पी फॉर्म्स। अब इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा साथ में बताता जाता हूँ। सबसे पहले है एक्समेट एंटी स्पैम। ये क्या काम करता है कि इसमें हमारे वेबसाइट्स को या सॉफ्टवेयर्स को या जो हम बनाएंगे ना उसको सेफली प्रोवाइड करता है, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ठीक है। ये जो है ना वो जस्ट इसके अंदर फॉर्म वगैरह क्रिएट करने के लिए ऑप्शन होता है, जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, इस तरह से फॉर्म को हम क्रिएट करने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है कस्टम साइड बार्स। ये हमारे पास क्या करता है बेटा कि इसमें कस्टम साइड बार्स हम क्रिएट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, टॉप या बॉटम साइड बार, ठीक है। उसके बाद एलिमेंटर आता है जिसके ज़रिए हम अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आपको बताया हुआ है, उसके ऊपर हमने काम भी किया हुआ है, एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर। अब ये जो है ना, ये हमारे पास जब हम एलिमेंटर की बात करते हैं ना, तो एलिमेंटर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसके साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो ये हम ये उसको ना हेल्प करने के लिए, ये देखें ना जैसे 70+ प्रीमियम एलिमेंट्स, ये हमारे पास इसमें एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। जैसे हम अभी सर्च कर रहे थे तो उसमें कम एलिमेंट्स आ रहे थे, वो जो क्या था एलिमेंट्स के साथ एक वो हमने क्या नाम था उसका, टेम्पलेट्स, ठीक है। तो टेम्पलेट्स कम आ रहे थे, तो अगर हम इसेंशियल एडोन्स किया होगा तो टेम्पलेट्स ज़्यादा आएंगे। उसके बाद हेलो डॉली, ये कोई इतना खास नहीं है, इसको बेशक डिलीट भी कर सकते हैं। ओशन कस्टम साइड बार होता है, ठीक है, ये कस्टम हम साइड बार लगाने के लिए और उसके बाद जहाँ पर हम उनको चाहें रख सकते हैं। ओशन एक्स्ट्रा होता है, ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक विजेट्स, मेटा बॉक्सेस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पैनल, ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए। ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग क्या होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट पेज और उसको WooCommerce का साथ कंपेटिबल बनाते हैं। ओशन सोशल शेयरिंग होता है, जिसमें हम सोशल शेयर बटन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और ओशन स्टिक एनीथिंग के, जिसमें हम कोई भी साइट के ऊपर, जैसे लेट्स सपोज के ये हम बात करें, तो अब इसमें ना ये वाली जो बार है ना, ये स्टिक है। अब हम पेज को आगे पीछे मूव करें, वो अपनी जगह पर एक जगह स्टिक हुई हुई है। तो ये किस प्लगइन के साथ हुई है, ओशन स्टिक एनीथिंग के साथ। प्रीमियम एडन्स फॉर एलिमेंटर, ठीक है, इसमें विजेट्स, एडन्स लाइक ब्लॉग पोस्ट, ग्रिड वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद TI WooCommerce विश लिस्ट, ठीक है, विश लिस्ट फंक्शनैलिटी फॉर योर WooCommerce। विश लिस्ट किसको बोलते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम दराज की बात करें तो ये हमारे पास दराज की वेबसाइट ओपन हुई है। तो अब ये हमारे पास एक जो है ना वो कोई एक प्रोडक्ट दी हुई है। अब इसमें ना अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें शायद विश लिस्ट की ऑप्शन आ गया है। अच्छा, ये हमारे पास ना, अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर लेट्स सपोज के क्लिक करता हूँ ना, तो इसमें एक ऑप्शन होनी चाहिए विश लिस्ट की। विश लिस्ट होता है कि हम अभी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको लूँ, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको लूँ लेकिन ये कभी मेरे पास पैसे नहीं, तो उसको हम विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो वो फिर जब हम उसको बाद में चेक करना चाहें तो वो देख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज के कोई हमें 4-5 प्रोडक्ट्स अच्छी लगी तो हम उनको विश लिस्ट में ऐड कर देंगे, बाद में चाहें तो हम जो है ना उसको कर सकते हैं। जैसे एक में शायद इधर आ रहा होगा ऑप्शन, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये आ रहा है ना, ऐड टू कार्ट बाय नाउ। अच्छा, शायद वो ये कि जब हम करेंगे ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे लॉगिन के ऊपर, तो वो तब आएगा, ठीक है, तब वो जाकर विश लिस्ट होगा। बल्कि ये दिया होगा, ये आपको हर्ट का बटन नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो वो ये क्या हो जाएगा, विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वो मुझसे पूछ रहा है कि आप लॉगिन पहले करें, ठीक है, तो लॉगिन करेंगे ना तो आपका ये जो विश लिस्ट में चीज़ें ऐड हुई होंगी वो आपके अकाउंट में पीछे रहेंगी, और जैसे आप उनको अपने लॉगिन करते हैं ना अपने अकाउंट को, तो आपको साथ ही ऊपर जो है ना सबसे पहले चीज़ दे देता है कि ये चीज़ आपकी रहती है, इसको आप पहले लॉगिन करो।
सही हो गया। अच्छा उसके बाद ये विश लिस्ट के ऑप्शन हो गई, और कौन सी है वो कॉमर्स विश लिस्ट हो गया, और वेरिएशन स्वेचेज फॉर वो कॉमर्स, ठीक है, ये इसमें इमेजेस कलर्स वगैरह इसके वेरिएशन के लिए, जैसे इमेजेस को चेंज करना हो, कलर को चेंज करना हो, तो हम वेरिएशन स्वेचेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद वो कॉमर्स आपको बताया था बहुत 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 ज़रूरी है, और ऐसे समझ लें कि 70-80% ये काम ये वो कॉमर्स के थ्रू होना है। अगर हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है तो 70-80% काम होगा, वरना नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद WP फॉर्म्स लाए, ठीक है, ये तो सिंपली हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह, और इस तरह से हम जो चेकआउट करेंगे तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद आगे जो चीज़ आती है वो हमारे पास है वर्डप्रेस थीम को हमने इंस्टॉल किया हुआ है। थीम हमने कौन सा इंस्टॉल किया था, वो हमारे पास था जी ओशन WP, ठीक है, आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। अब देखिए जब हम इंस्टॉल करेंगे ना प्लगइन्स को, ये सारे लेफ्ट साइड पे आपको चीज़ें बनी हुई नज़र आ जाएंगी। अच्छा मैं अब आपको ना अपीयरेंस के ऊपर थीम्स का भी चेक करा देता हूँ कि थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा ये देखें जी, ये हमारे पास थीम इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, ओशन WP ये एक्टिवेट भी है। चलें जी अब हम इसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं वेलकम टू द WooCommerce विश लिस्ट प्लगइन और वेलकम टू ओशन WP, इस तरह से हमारे पास आ रही हैं चीज़ें। अभी हम ऐसा करते हैं कि WooCommerce को पहले इंस्टॉल करते हैं, WooCommerce के अंदर ना सेटिंग्स करते हैं। तो WooCommerce होम, ऑर्डर्स, कूपन्स, कस्टमर्स, रिपोर्ट, सेटिंग्स, एक्सप्रेस स्टेटस और एक्सटेंशंस आ रहे हैं। हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स के ऊपर। अच्छा अब इसमें हमारे पास हमने यहाँ पर एड्रेस देना है, ठीक है, एड्रेस लाइन 1 आ रहा है, लाइन 2, सिटी, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं लेट्स सपोज किसी को ये एड्रेस को ही लिख देता हूँ, ठीक है, दूसरे को भी सेम। अच्छा उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं लाहौर और कंट्री स्टेट कौन सा आ जाएगा, वो हम सर्च करेंगे जी पाकिस्तान। पाकिस्तान और आगे हम कर देते हैं पंजाब। उसके बाद सेलिंग लोकेशंस, आप किस कंट्री में ज़्यादा चीज़ें सेल करना चाहते हो, तो सेंड टू ऑल कंट्रीज़ या सेंड टू अ स्पेसिफिक कंट्रीज़। तो मैं कर दूंगा सेंड टू ऑल कंट्रीज़, के तमाम कंट्रीज़ में करना चाहता हूँ। और अगर लेट्स सपोज के आप सिर्फ पाकिस्तान में करना चाहते हो तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये सेंड टू स्पेसिफिक कंट्रीज। स्पेसिफिक कंट्रीज़ कौन से आएंगे, मैं सिर्फ पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज के चीज़ को सेल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर जिस और कंट्री में करना तो वो भी आप कर सकते हैं। सर इधर ऑप्शन आ रही है IM सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट, इसको टिक करूं या नहीं? कहां पे आ रही है, इधर मुझे तो नहीं शो हो रही। सर इधर मुझे हो रही है, मैंने वो रन भी किया था ना सेटअप। हां ठीक है, मेरा अलग पेज खुल गया। सही है, वो क्लिक करूं कि नहीं? हां कर दे कौन सा शिपिंग लोकेशंस। अच्छा शिपिंग होती है कि अगर कोई आपकी प्रोडक्ट को सेल करता है तो आप उसको ऑर्डर कहाँ से करेंगे, वो उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, शिपिंग लोकेशन। तो शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, आप किस किस कंट्री में शिप करना चाहते हैं, मतलब कि डाटा भेजना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ऑनली, तो उस कंट्री का नाम लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी पाकिस्तान आ गया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन जो शॉप बेस एड्रेस होगा उसके ज़रिए जाएंगे, ठीक है, या इसको जियो लोकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जियो लोकेट का मतलब क्या है कि वो खुद से एक्सेस कर देगा उसकी लोकेशन को। उसके बाद टैक्सेस, हाँ जी बिल्कुल टैक्सेस और कैलकुलेशंस करनी है क्योंकि GST हमने लगाना है हर एक प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद करेंसी क्या आ जाएगी, करेंसी हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको हम यूज़ करेंगे, पाकिस्तान रुपीज यानी RS। करेंसी पोजीशन लेफ्ट पे आनी चाहिए, राइट पे या कहाँ पर आने चाहिए, तो नॉर्मल वैसे मेरे ख्याल में लेफ्ट पे ही होती है तो इसलिए हम लेफ्ट पे ही रहने देते हैं। उसके बाद 1000 सेपरेटर
थाउजेंड सेपरेटर के बाद कॉमा आएगा, डेसिमल सेपरेटर के बाद डॉट आएगा और नंबर ऑफ डेसिमल्स 2 होंगे। तो ये मैंने इसको कर दिया सेव चेंजेस। अब ये हमारे पास क्या हो चुका है जी, पहला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें लेकर जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो पहले वाला था कौन सा था जी, जनरल। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमने इसको किया और करने के बाद शॉप पेजेस, ठीक है, कि पेजेस कौन से आ जाएंगे, सेलेक्ट आ पेज, ठीक है, पेज को सेलेक्ट करेंगे तो सैम्पल पेज या प्राइवेसी पॉलिसी कौन सा अभी पेज है, अभी हमारा कोई अभी पेज नहीं है तो मैं लेट्स सपोज के अभी सैम्पल पेज को कर देता हूँ। प्रोडक्ट पेज जो भी होगा ना, हम अभी प्रोडक्ट्स का एक पेज बनाएंगे, ठीक है, तो फिर हम उस पेज को हम सेलेक्ट करेंगे एज अ पेज। तो अभी मैंने टेम्परेरी तौर पर सैम्पल पेज कर लिया, हम बाद में इसको चेंज कर देंगे, सही है। और उसके बाद जब वो रिडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, जब यानी प्रोडक्ट ऐड हो जाए तो क्या उसको सक्सेसफुली ऐड होने के बाद दोबारा किधर भेज दे, कार्ट पेज पे भेजे कि ना भेजे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूँ, अब ये देखें जी, मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, अब वो मुझे लॉगिन करने को कह रहा है, अगर मैं लॉगिन ना करूँ तो ये ऐड टू कार्ट नहीं होगा। तो वैसे नॉर्मली यही होता है कि अगर आप, मैं ना एक और वेबसाइट अमेज़ॉन वाली ओपन कर देता हूँ, उसमें आप देखिएगा, उसमें ना ये होता है कि वो चीज़ जो है ना वो ऐड हो जाती है। आप देखें, ये देखें, ये हमारे पास है, ये लेट्स सपोज के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा ये हमारे पास आ गया, ये आ गया जी ऐड टू कार्ट। अब मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये देखें ये वन ऐड हो गया, समझ आ गए। तो वो कह रहा है कि क्या मुझे इसके बाद दोबारा मुझे ऐड टू कार्ट पे, मतलब इस कार्ट के ऊपर ले जाए या ना ले जाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ले जाने की क्या ज़रूरत है, मतलब कि उसको हम एक पेज ऐड, एक प्रोडक्ट ऐड करें वो डायरेक्टली इधर चला जाए, तो ये क्या बात है। ये जब वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो तब वो जाए, अदरवाइज वो ना जाए, बस उसको इंडिकेशन शो होता रहे कि मेरे कार्ट के अंदर एक या दो आइटम पड़ी हुई हैं। उसके बाद हमने आगे किया, हमारे पास क्या आया जी, ये इसको मैं इनेबल नहीं करता, और प्लेस होल्डर इमेज जो है ना वो 6 कर सकते हैं आप इमेज, मतलब मैक्सिमम वेट यूनिट किलोग्राम आ गया, और डायमेंशन यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। उसके बाद इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज शो वेरीफाइड ओनर, ठीक है, ये भी ठीक है, इनेबल स्टार रेटिंग, ये भी ठीक है। उसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। ये हमारे प्रोडक्ट वाला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, प्राइसेस एंटर्ड विद टेक्स्ट, यस आई विल एंटर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यस आई विल प्राइसेस एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव होता है निकालना और यस होता है इंक्लूड करना, ठीक है। तो हम इंक्लूड करेंगे, जाहिर बात है टैक्स क्योंकि गवर्नमेंट में अप्लाई होता है, तो हम भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस, जो कस्टमर का शिपिंग एड्रेस है उसके मुताबिक क्या होगा, कस्टमर के एड्रेस के मुताबिक उसकी कटिंग की होगी, या जो उसका बिलिंग एड्रेस है उसके मुताबिक। तो हमने कहा कि जी बिलिंग एड्रेस के मुताबिक होना चाहिए। शिपिंग टैक्स क्लास, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार टाइम आइटम्स, ठीक है। उसके बाद एडिशनल टैक्स क्लासेस, ये जीरो रेट आ गया, और ये एक्सक्लूडिंग टैक्स, और ये इस तरह ये सिंपल रहने दें, इसको हमने कर दिया सेव चेंजेस। उसके बाद आगे हमारे पास आ गया शिपिंग, अच्छा ये हमारे पास शिपिंग जोन आ गया, ठीक है।
तो ये बता रहे कि कौन सा जोन आपने सिलेक्ट करना है, मतलब किस एरिया में आप उसको शिप करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। तो मैं जोन का नेम लिखता हूँ, इस्लामाबाद, सॉरी लाहौर लिख लेता हूँ, और सिलेक्ट रीजन्स विद दिस जोन। ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट आगे सिलेक्ट कर देता हूँ, पंजाब पाकिस्तान। और शिपिंग मेथड्स बस ये हमारे पास आ गया, एड शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड किसके ज़रिए होगा? फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग, लॉक, पिकअप, लोकल पिकअप। तो हम लिखते हैं फ्लैट रेट, क्योंकि ये के कोई अगर आउट ऑफ सिटी भी हमसे एक चीज़ मंगवाना चाहे तो उसके मुताबिक हम पैसे ले सके। ठीक है, उसके बाद हमने कर दिया इसको सेव चेंजेस। ठीक है, ये हमारे पास चेंजिंग क्या हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमने आगे करना है पेमेंट्स के ऊपर। पेमेंट्स के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, क्या बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं? हम कहते हैं जी करवा दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद चेक पेमेंट्स, जी बिल्कुल। कैश ऑन डिलीवरी, ये भी अलाउ होगा। और पेपल वैसे पाकिस्तान में अलाउ नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे। अब आगे वो कह रहे हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसको आप सेटअप करें। तो ये थोड़ा सा एक लंबा चौड़ा काम है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में अगर आपने करना है तो क्या करेंगे। ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन वगैरह ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपना अकाउंट ऐड करें। ठीक है, तो अकाउंट नेम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, बैंक नेम आ जाएगा, शॉर्ट कोड आ जाएगा, IBN, BIS, स्विफ्ट, ये भी आप फिलहाल इसको रहने दें। ठीक है, इसको अभी जो है ना वो स्किप कर दें। उसके बाद आगे हमारे पास, अब ये देखो ना, हर एक चीज के लिए उसने कहा हुआ है कि इसको आपने करना है सेटअप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये पीछे अभी हमने चेक किया, ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आ गया। तो बाकी के, हाँ अब ये देखो चेक पेमेंट्स, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, तो उसको भी वो क्या किया हुआ है उसने, मैंने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें वो सारे रेट वगैरह या इस तरह वो चीज़ें आ जाएंगी। अब ये देखें जी, ये हमारे पास आ रहा है शिपिंग मेथड्स क्या हैं। ठीक है, फ्लैट रेट मैंने आपको बता दिया, और पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। ठीक है, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि जब वो रिसीव करेगा डिलीवरी को तो उसे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अलाउ कस्टमर टू सर प्लेस, जी बेटा। सर ये जो पैसे मनी मिलेंगे तो उनपे मिलेगा जिनकी जो सेल कर रहे होंगे। हाँ जी, अब जैसे लेट्स सपोज के हम कोई एक प्रोडक्ट ना सेंड करते हैं ना TCS पे या इस तरह से, जैसे आप, मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे आपके पापा की मतलब बुक की शॉप है, अब वो बुक जो है ना वो सेल करना चाहते हैं किसी और कंट्री, कोई और सिटी में। तो अब वो क्या करेंगे, जब वो TCS करवाने लगेंगे ना, TCS वाले उनको पे कर देते हैं। तो अब वो जब आगे किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो वो कस्टमर जो है ना वो TCS जो है ना वो कस्टमर वालों से पैसे ले लेगा। ये इसका मेथड होता है कैश ऑन डिलीवरी का। ये सर दराज पे भी यही होता है कि आपने देखा होगा, जब आप जब मतलब कि चीज़ें घर पहुंच आती हैं तो वो पैसे लेता है। तो बेसिकली ये होता है कि वो जो TCS या इस तरह से वो जहाँ से वो चीज़ उठाने जाते हैं ना TCS वाले, तो वो वहाँ से उसको उनको पैसे दे देते हैं और वो फिर आगे से रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद गेस्ट चेक आउट आ जाएगा। जी, सही है, मैंने पूछना था जो फेसबुक पे का बनाते हैं वो वेब पेज यानी कि बिजनेस अकाउंट, जिसके ये मेरे ख्याल बिजनेस पेज बनाते हैं ना सर, क्रिएट करते हैं वो सर, उसमें भी होता है यानी कि वो फेक आइटम्स यानी कि घर पहुंच जाती हैं, पैसे वो ले लेते हैं TCS वाले, बाद में वो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो कहते हैं कि बस वो चले गए पैसे, पता नहीं कहाँ चले गए, कहते कहाँ से आए, पता नहीं क्या भेज देते हैं, मानते नहीं वो। वो ना हमने ना एक मतलब कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी तो उसमें एक पूरा सेमेस्टर ना एक सब्जेक्ट हमें पढ़ा था, जिसमें ऑनलाइन जो ऑर्डर हैं उनके बारे में ना एक डिटेल चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ऑनलाइन जब हम प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे थे तो
तो उसका एक हमने नुकसान पड़ा था ऑनलाइन सेलिंग का, कि ये होता है कि इसके अंदर हमें फिजिकल चीज का पता नहीं होता। अब जैसे लेट्स सपोज कि हमने कोई वॉच मंगवाई या इस तरह से, कैमरे के ऊपर उसकी शक्ल कुछ और दिखाई दे रही थी, जब ओरिजिनल पहुंची तो उसकी शक्ल कुछ और थी। तो इस तरह से ये कि इस तरह कपड़े हैं या इस तरह, तो ऑनलाइन यही नुकसान होता है। और बस सर वही पूछना था, दराज भी तो वापस हो जाती है ऑनलाइन चीजें, अगर वो वाइट से हाँ जी, वो असल में दराज एक थोड़ा सा इंटरनेशनल है ना, तो इसलिए उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखना, उनको पता है कि अगर हम नहीं करेंगे क्लाइंट हमसे दूर भागेगा, तो इसलिए वो चीजें वापस जो है ना मनी बैक गारंटी दे देते हैं। दराज में 50% तो फेंक ही है वैसे, वो भी पढ़ने वाला बंदे को स्यापा ही है। बिल्कुल ऐसे चलेंगे, हमारे पास आ गया अलाउ कस्टमर्स लॉग इन इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। जी बिल्कुल, जब वो चेकआउट कर रहा हो तो वो लॉग इन कर सकते हैं। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, ठीक है, वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, जी वो भी कर सकते हैं। वैन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर, ठीक है, वैन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिक जनरेट एन अकाउंट पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड उससे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, और अगर वो उसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, नहीं ये नहीं करेगा, क्योंकि ये कि अगर वो इस तरह रिमूव कर देंगे बाद में अगर हमने उसको ट्रैक करना हो तो वो नहीं कर सकेंगे। रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड्स ऑन रिक्वेस्ट, ये भी नहीं करेंगे। अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर, ये भी नहीं अलाउ करेंगे। उसके बाद प्राइवेसी पेज आ गया, ठीक है, प्राइवेसी पेज अभी हमने नहीं किया, वो हम अभी करेंगे, तो वो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद रिलेशन विद, रिलेशन इनएक्टिव अकाउंट्स, रिलेशन पेंडिंग ऑर्डर्स, ये वो इस तरह से ये मंथ्स में डेज में इस तरह से वो शो हो रहा होगा, इसको हम नहीं छेड़ते, ये ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारे पास चेंजिंग सेव हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं ईमेल्स की तरफ, और ईमेल में हमारे पास आ रहा है कि ईमेल उसे कब जाए, न्यू ऑर्डर पे जाए, कैंसल ऑर्डर पे जाए, फेड ऑर्डर पे जाए, ऑर्डर ऑन होल्ड पे जाए, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, और कौन सा रिफंड पे, कस्टमर इनवाइस उसे जनरेट हो, कस्टमर नोट जाए, रिसेट पासवर्ड के ऊपर और न्यू अकाउंट के ऊपर भी उसे ईमेल जाए, ठीक है, और जाएगी किससे, जो हमने ईमेल एंटर की है, जैसे मैंने ASI.102578 के नाम से की है, और इसका नाम क्या होगा, ई कॉमर्स या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा वो उधर शो हो रहा होगा, सही है। मैंने कहा ठीक है, ये इसी तरह से इसको चलने दो। उसके बाद आगे हमारे पास कह रहा है जी इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन में हम चेक करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या चीजें शो कर रहा है, इंटीग्रेशन में कि उसको इंटीग्रेट करना है, हमने इंस्टॉल करना है मैक्समाइन लाइसेंस की और डेटाबेस फाइल पाथ, ठीक है, ये डेटाबेस के लिए ये चीजें आ गई हैं, इसके हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी इसी तरह से ही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं एडवांस्ड की तरफ। अब हम एडवांस्ड की तरफ आते हैं तो उसमें चेक करते हैं क्या क्या चीजें हैं। कार्ट पेज, जी वो भी हमने नहीं किया, चेकआउट पेज वो भी अभी नहीं किया, माई अकाउंट पेज वो भी नहीं किया, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज भी अभी हमने नहीं बनाया, तो इसीलिए अभी हम इसको भी ऐसे रहने देते हैं। अब बनाते हैं हम अपने पेजेस जल्दी से, आज 4-5 पेजेस बनाएंगे और मेरे ख्याल में इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। चलिए जी हम बनाते हैं पेजेस, और ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूं। अच्छा, ये हमारे पास पेज आ गया, ठीक है। अब मैं यहां से कोई एक पेज बना लेता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू किधर गया, यहाँ पे आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कोई एक पेज बनाता हूँ, और उस पेज का नाम मैं रख लेता हूँ कार्ट, ठीक है, कि ये जो कार्ट ऊपर आपको नजर आ रहा था ना, इस तरह से
किसके लिए मैं एक पेज बनाने लगा हूँ। CART, ठीक है, कार्ट के नाम से बनाया। अच्छा, अब कार्ट के लिए मुझे चीजें किस तरह से मिलेंगी, जैसे वो कार्ट बना हुआ आएगा, वो सारा ये किस तरह से आएगा? आपको एक छोटा सा मैंने कल हिंट भी दिया था परसों, जब मतलब जब हमारी क्लास हुई थी, कोई आप इसे बता सकता है कि कार्ट के लिए इस तरह से हम कैसे चीज लाएंगे, उसके लिए वो जो कार्ट बना हुआ है और ये सारा? शॉर्ट कोड यूज करेंगे उसका। हाँ जी, वेल डन, शॉर्ट कोड हम यूज करेंगे। शॉर्ट कोड कहाँ से लेंगे हम? गूगल से, वू कॉमर्स का। तो हम लिखेंगे इधर वू कॉमर्स शॉर्ट कोड्स। वू कॉमर्स शॉर्ट कोड्स, ये पहली ही साइट ओपन होगी, इसी से ही हम कॉपी कर लेंगे। अब ये देखें, हम अभी बना रहे हैं कार्ट के लिए, तो जो कार्ट वाला कोड है हम जस्ट उसको कॉपी करेंगे। किधर क्या ये वाला रहा, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी। और इसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट, और इसको मैंने कर दिया सिंपल पब्लिश। ठीक है, अब मैं इसको चेक करना चाहूँ कि क्या ये इसके अंदर कार्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी कार्ट करेंसी इज एम्प्टी, ये इस तरह से, ये देखिए ये कार्ट का ऑप्शन और ये चीज़ें शो हो गई हैं, सही है। तो रिटर्न टू द शॉप, ये इस तरह से वापस आने के लिए, तो ये कह रहा है। अच्छा, ये एक साथ में ये चीज़ें ऐसे ही आ रही हैं, इसको भी हम रिमूव करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा इसको फुल विड्थ में कन्वर्ट। अभी एक मिनट, मैं आपको चेक कराता हूँ। यार डिफॉल्ट टेम्पलेट, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो एलिमेंटर फुल विड्थ आ रहा है, तो मैं इसको फुल विड्थ के ऊपर कन्वर्ट कर देता हूँ। फुल विड्थ के ऊपर कन्वर्ट करूँगा ना, तो अब ये बेहतर रहेगा, सही है। अब हम इसको एक दफा चेक करते हैं। चले जी, हम इसको व्यू करते हैं कि क्या ये फुल विड्थ के ऊपर आ चुका है या नहीं आया। अभी तक नहीं आया, सही है। तो वो इसके अंदर ना ये विजिट्स को रिमूव करना पड़ेगा। चले, उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। एलिमेंटर फुल विड्थ आ गया, डिफॉल्ट टेम्पलेट एलिमेंटर फुल विड्थ। चल, आपने वैसे ना सारों को फुल विड्थ ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कि जब हम विजिट्स को रिमूव करेंगे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये लेफ्ट साइड बार, वो कॉमर्स साइड बार, इधर से भी हम एक दफा चेक कर लेते हैं। सर्च रिजल्ट साइड बार, और क्या है, डिफॉल्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, इस तरह से। चलें, हमने इसको कर दिया अपडेट। अच्छा, इसी तरह से ना आपने, कितने हैं हमारे पास शॉर्ट कोड्स? 2, 3, 4, टोटल 4 हैं। एक मैंने आपको बना दिया है, बाकी आपने 3 खुद बनाने हैं। तो एक उसमें आप चेकआउट का पेज बनाएंगे, एक माई अकाउंट का पेज बनाएंगे, और एक ऑर्डर ट्रैकिंग का पेज बनाएंगे। फिर सारे जितने भी हमारे पास हैं ना, उन सारों को आपने इस तरह से वो दे देना है, ये शॉर्टकट कोड दे देना, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर कोशिश करें तो अभी बना लें तो एक ज़्यादा बेहतर है, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को समझ आ गई है। अभी बना सकते हैं, मैसेज कर दें काइंडली कि अभी आप बना लेंगे, कोई इश्यू तो नहीं है। चले, सुबह आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, ऐसे करें, इसको ना ये 3 पेजेस आप लोगों ने ना डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। तो ये इसमें सिंपल, ये छोटा सा ये काम दिया है आप लोगों को कि आपने ये तीनों के ना शॉर्टकट कोड्स लिख लेने हैं, और कल मुझे ना 12 बजे से पहले आप लोगों ने मुझे एक मतलब कि रिप्लाई कर देना कि ये सर हो गया, ठीक है। जिसको जो जहाँ से समझना है मुझे
फौरन आप लोगों ने पूछना है। तो ये आज का आपका काम था, बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना वो आज ही आप ये शॉर्ट कोड वगैरह बना लेंगे, कल हम इन पेजेस को ना मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे और फिर उसके ऊपर ना इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक हो गया? चलिए ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज सर। जी जी मेरी ये फुल विड्थ वाली ऑप्शन ही नहीं आ रही इधर, पेज की फुल विड्थ वाली। एलिमेंटर वाला किया हुआ आपने? जी किया। एलिमेंटर वाला किया हुआ फिर आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? फिर कोई या एक आधा कोई ना हो सकता है प्लगइन मिस हो। ठीक है, मैंने सारे नहीं किए हुए वो, मैं हाँ वही से वजह से वो प्लगइन आप सारे कर लें फिर आ जाएगी। ठीक है, चले सही है फिर। और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है? चलिए ठीक है बेटा, फिर अल्लाह हाफिज, थैंक यू।